ありがとうございます。どうも失礼いたしました。コミックス、ラジコミックス、スーパーコマンドドゥルブ。Yes, I got it!तो इसको मैंने सैनिटाइज कर लिया है और इसके अंदर देखता हूँ मस्त पैकिंग करा हुआ है आई एम सो हैप्पी टू रिसीव दिस राज कॉमिक्स ये मैंने हेलो बुक माइन से ऑर्डर करा था 29th ऑफ जून को और आज 4th ऑफ जुलाई है पांच दिनों के अंदर पहुंच गया शिपिंग कॉस्ट तो ज्यादा महंगा है 2900 इसका शिपिंग कॉस्ट पड़ा है फ्रॉम दिल्ली टू टोक्यो और इसमें करीबन 36 कॉमिक्स हैं इसका जो वेट है 3.2 केजी वेट है इसका एक केजी का 700 रुपीस बेसिकली ये फ्रेट चार्जेस है बेसिकली मैं ध्रुव के जो कॉमिक्स है वो ऑर्डर करना चाह रहा था तो इनमें से वो सारे कॉमिक्स जो ध्रुव के हैं वो सारे के सारे मेरी ऑलरेडी पड़ी हुई है बस एक एक, एक यादें हुआ करते थे तभी 80s के दिनों में बस उसी के लिए मैं ये जो कॉमिक्स है अपने पास रखना चाह रहा था क्योंकि मैं उन दिनों 80s के दिनों में मैं इतना बड़ा मेनियक हुआ करता था कॉमिक्स का कि सिर्फ और सिर्फ कॉमिक्स पढ़ता था मैं पागलों के जैसे कॉमिक्स पढ़ता था 86 में मेरा भाई पैदा हुआ था तो 86-87 के दौरान मैं कुछ कॉमिक्स पढ़ना चालू किया तभी मैं 8 या 9 साल का था 79 की मेरी डेट ऑफ बर्थ है तो तभी मैं नालंदा कॉलोनी उड़ीसा में रहा करता था उड़ीसा में नालंदा कॉलोनी में कुछ दूसरे एंटरटेनमेंट साधन हुआ नहीं करता था एक बड़ा सा प्लेग्राउंड हुआ करता था प्लेग्राउंड में खेलते थे कुछ एक खास दोस्तों के साथ और टीवी नहीं हुआ करता था इसलिए भी तो नालंदा में कुछ भी नहीं था और हर संडे बस आया करती थी पापा के ऑफिस के बस आया करती थी तो उसमें सारे के सारे नालंदा कॉलोनी के लोग बस भर के बड़बिल जाया करते थे 2-3 घंटे के लिए और वहाँ पर बाजार में सब्जी भाजी जो भी है खरीदा करते थे मैं भी हर संडे पापा के साथ बड़बिल जाया करता था और पापा बाजार करते थे तो मैं कॉमिक्स स्टॉल में कॉमिक्स देखा करता था मैं किताब खोलता था उसके अंदर मैं कॉमिक्स रखता था और छुप छुप के पढ़ता था इवन सेंट मेरी स्कूल बड़बिल में मैं एक बार मैं कॉमिक्स पढ़ते हुए पकड़ा गया था वो कॉमिक्स सिस्टर में एनी दोस्त डे सिस्टर एनी मुझे वो चाहिए कॉमिक्स ना हर हफ्ते में कॉमिक्स का इंतजार करता था कि बड़बिल जाऊं और कॉमिक्स खरीदूं और 3 से 4 कॉमिक्स जो भी लेके आता था हफ्ते भर उसको पढ़ता था एक बार पढ़ता था दो बार पढ़ता था मैं इतना बड़ा मैनियक था कि मेरे को लगता था कि मेरे से बड़ा कॉमिक्स मैनियक कोई दूसरा नहीं होगा तो कॉमिक्स तभी नालंदा कॉलोनी में पढ़ा करता था तो नालंदा की बड़ी अच्छी यादें रह गई है कॉमिक्स का पर घर भर दिया करता था कलेक्शन इतना कि मतलब सारे रद्दी में बिकवा गए नालंदा से जैसे ही सारे लोग चाईबासा के लिए आए सारा शिफ्टिंग हुआ सारा चला गया कॉमिक्स चला गया स्टिकर्स चले गए यादें चले गए ध्रुव का मैं बहुत बड़ा फैन हुआ करता था अभी भी मैं करता हूँ ध्रुव मेरा फेवरेट इंडियन हीरो इंडियन कॉमिक हीरो है I'm a great fan of Anupam Sinha and Dhruv because he has created Dhruv और मैं कभी Anupam Sinha बनना चाहता था ड्राइंग में बहुत अच्छी किया करता था और तभी के दिनों में मोबाइल या फिर स्कैनर नहीं था नहीं तो मैं अपना जो बनाया हुआ ड्राइंग्स वगैरह है उसको प्रिजर्व करके रख सकता था दीप अगर तुमने ये लिंक नहीं भेजा होता राज कॉमिक्स का और सुपर कमांडो ध्रुव नागराज के लिंक अगर मुझे नहीं मिला होता ये लॉकडाउन के दौरान ना तो मैं कभी वो जो मेरा पहले वाला जो कॉमिक्स मेनियक बंदा था वो कभी नहीं जागता तो ये जो फेसबुक में राज कॉमिक्स या कॉमिक्स वर्ल्ड का जो फोरम है सारे के सारे फोरम में मैं ज्वाइन कर गया उसके बाद मैं सारे के सारे मतलब इंटरनेट में मैं यूट्यूब वीडियोज में राज कॉमिक्स या फिर जो भी एनिमेशन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं मतलब हर चीज देख रहा हूँ मैं खोज रहा हूँ और मैं तभी जो 8-9 साल का 86-87 में जिस जो लेवल का जो मैं मेनिया मेरे अंदर में जो पागलपना था वो पता नहीं 40 साल के बाद अब जाके ये लॉकडाउन में जागा है और एग्जैक्टली ये कॉमिक्स के वजह से मैं अपने आप को पूरा फ्लैशबैक में नालंदा के सारे यादें देख सकता हूँ क्योंकि मम्मी थी तभी मम्मी पापा के साथ रहा करता था तो जो वो जो टाइम था जो मेरा सबसे अच्छा टाइम था तो उसको मैं याद कर सक रहा था थोड़ा इमोशनली हुआ था क्योंकि बहुत सारे बेइज्जती वगैरह भी हुआ था दोस्त कॉमिक्स पढ़ने के चक्कर में मैं 2 साल फेल भी हुआ था 8th क्लास में 2 साल फेल किया था फिर DAV चाईबासा में भी 8th क्लास में ही आया तो वो जो एपिसोड था बहुत सारे बेइज्जती हुई के दद्दू और चाचा लोगों के साथ DAV चाईबासा में
और उसके बाद मैंने कभी कॉमिक्स पढ़ी नहीं 93 के बाद 93 या 2020 ये 26-27 साल मैंने कभी कॉमिक्स कुछ आइडिया ही नहीं था अभी। लेकिन अभी ये लॉकडाउन के दौरान में मैंने जो भी मतलब इतना सर्च किया मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है सर्चिंग करने में, या वो फोरम में जो अभी नए के जनरेशन के लड़के जो लिख रहे हैं तो बड़ा मजा आ रहा है। पता नहीं क्या अलग से एक लग रहा था कि वो जो कॉमिक कम्युनिटी है जिसमें डिस्कशन करते थे वो एक टाइप से वापस आ गया। बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा खुश है, कॉमिक्स की दुनिया में फिर से डे ड्रीम कर रहा हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 79 का है, तो 70s या 80s अर्ली 80s के कुछ लोग कुछ मेंबर भी हैं जो कि अपने अपने फीलिंग एक्सप्रेस कर रहा है, वो सब सुन देख के लग रहा है कि ये तो मैं ही बोल रहा हूँ इस टाइप से लग रहा था। एक बंदा है उसमें, उसने लिखा था कि वो पापा के पॉकेट से पैसे निकाला करता था, चोरी किया करता था। एग्जैक्टली मैं भी वही करता था कि पापा के पॉकेट से पैसे चोरी करता था। ऐसा नहीं है कि पापा पैसे नहीं देते थे, पापा पैसे दे देते, ये लत मुझे पापा ने ही लगा के दिया एक्चुअली कॉमिक्स का लत। पापा या मम्मी कभी खिलाफ नहीं थे कि कॉमिक्स मत पढ़ो, पापा मम्मी दोनों ही सपोर्ट करते थे। पापा से पैसे भी मिलते थे, हर हफ्ते खरीदने के लिए जाया करते थे, इतने सारे जितने भी कलेक्शन है सब पापा के पैसे के ही थे। और लेकिन वही है कि तभी 6 रुपया का कॉमिक्स आया करता था, 6 रुपया से 8 रुपया हुआ, डाइजेस्ट जो है ये विशेषांक जो है ये 15 रुपया का हुआ करता था। तो 2-4 रुपये जो मतलब डाइजेस्ट वाइजेस खरीदने के लिए जो 2-4 रुपया जो कमी पड़ जाता तो वो पॉकेट से निकाल लिया करता था, ये चाहिए चाहिए इसी बार चाहिए, मतलब अगले हफ्ते के लिए वेट नहीं कर सकता है कि पैसा जमा करके अगले हफ्ते कर दो। मतलब उतना बड़ा मेनियक था कि मम्मी से या फिर जो दुर्गा पूजा वगैरह में जो पैसे थोड़े बहुत जो एल्डरली देते हैं वो सब कलेक्शन वलेक्शन कर पैसा का कलेक्शन जो है कॉमिक्स में चला जाता था। चले तो फिर आज खोल के देखते हैं कि इसके अंदर में है क्या। चलो भाई अभी इसको पूरा काटते हैं। ये है, इसमें भी 00 ही लिखा हुआ शिपिंग का, 2900 पड़ा मुझे ये, 36 कॉमिक्स 2355। तो ये टोटल 36 कॉमिक्स है, एक बार जल्दी से काउंट कर लेते हैं, 36 कॉमिक्स। एक्चुअली मुझे पुराने जो नॉर्मल पेपर है वही वाला चाहिए था, तो मैंने हेलो बुक माइन के जो एक्सपोर्ट डिवीजन में है अनूप गुप्ता, थैंक यू अनूप, व्हाट्सएप में चैट करते हुए पूछा कि जापान पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, शिपिंग दूसरे कंट्रीज में पहुंचता है कि नहीं। मैं जापान में गया नहीं हालांकि, लेकिन जरूर पहुंचेगा। और मैंने उससे रिक्वेस्ट करा था कि मुझे नॉर्मल जो पेपर वाला है वही चाहिए था, तो ये पेपर वाला उन्होंने भेजा है। थोड़ा सा ये पुराना टाइप लग रहा है, पुराना जो पहला है एक्चुअली पैकेज के वजह से थोड़ा सा एक ये है सुपर कमांडो ध्रुव भोकाल, ये भी मैंने नहीं पढ़ा है, ब्लैकआउट सामरी का ज्वाला माय फेवरेट, किरीकी का कहर मेरा सबसे फेवरेट था, ये क्या है डाइजेस्ट 14, ये थोड़ा पुराना लग रहा है मुझे बाकी सबसे। एक्चुअली उसने अनुप ने मुझे कहा था कि जो नए सारे जितने भी कॉमिक्स आ रहा है वो सब ग्लॉसी पेपर में ही है, इसमें जब मैं पढ़ा करता था तो नॉर्मल पेपर था, तो मैं एक्चुअली वही नॉर्मल पेपर वाली फीलिंग लाना चाह रहा था, इसलिए भी मैंने उससे कहा कि मुझे नॉर्मल वाला ही चाहिए।
एनीवे ये थोड़ा सा पुराना लग रहा है, नॉर्मल पेपर का थोड़ा सा अलग ही मजा है। ये ग्लॉजी पेपर है, क्वालिटी अच्छी है, ग्लॉजी पेपर नया जैसे लग रहा है एक्चुअली। वुडू ये पुराना नॉर्मल पेपर का है, बहुत ही पतला है ना, पतला 50 रुपये का। सुपर कमांडो ध्रुव डाइजेस्ट 14200 का है, काफी मोटा है, ये तो कोई नॉवल जैसा लग रहा है। आवाज की तबाही, ओह माय गॉड, का है। कर्फ्यू डोगा के 8-10 कॉमिक्स तभी मैं पढ़ा हुआ करता था। चुम्बा का चक्रव्यूह, माय गॉडनेस, आई लव दिस। बीसी फाइटर टोट्स की मैंने कुछ पढ़ी थी, मैंने फिर राज कॉमिक्स का ऑफिशियल फेसबुक वाले ग्रुप में लिखा कि भोकाल और भेड़िया और स्टील मैंने पढ़ी नहीं थी, तो मैंने लिखा तो कुछ रिकमेंड किया कि ये पढ़ना चाहिए था, तो मैं उसी रिकमेंडेशन के हिसाब से 40 रुपीज। अच्छा इतना पतला है क्या? परमाणु के रिवॉल्वर थोड़ा सा गंदा लग रहा है, ये हो गया भेड़िया, ये है परमाणु के 5 रिवॉल्वर जो है थोड़ा सा पुराना टाइप का लग रहा है, मे बी जो नॉर्मल पेपर का है वो पुराना स्टॉक वाला होगा इसलिए थोड़ा सा पुराना लग रहा है, बट नया बुक नया है, थोड़ा सा इसका जो ओल्ड फीलिंग है। भेड़िया के 2 ये डोगा का है, 7 डोगा के हैं, और ये फाइटर टोट्स के हैं 3। मैं ये जो अपने कॉमिक्स है ये अपने जापनीज फ्रेंड्स वगैरह को दिखाऊंगा और प्रोड्यूस करूंगा इंडियन सुपर हीरो ध्रुव पर, बताऊंगा कि ये जो सुपर कमांडो ध्रुव मेरा फेवरेट हुआ करता था, जो आर्ट है वो दिखाऊंगा। मांगा बेसिकली ब्लैक एंड व्हाइट का रहता है तो उतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता स्पेशली फॉर मी ना, क्योंकि मैं इस लेवल का कॉमिक्स पढ़ा करता था 80s के दिनों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।